सहनावतु सहनं भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। सच्चिदानंद घन विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक। चिन्मय मिशन पंचकूला के अधिष्ठाता देवता भगवान शंकर बड़े ही प्यारे हैं। मुझे सौभाग्य मिला प्रतिष्ठा के समय आने के लिए, तो जब भी देखते हैं इतना वाइब्रेशन है। उस भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम पूर्वक पूजनीय अर्चनीय गुरुदेव, चरणों में बंदन ब्रह्मचर्य कालिंदी चैतन्य, हमारे चिन्मय मिशन पटियाला के पेट्रोन दोनों डॉक्टर राज एंड डॉक्टर शशि, एंड चिन्मय मिशन पंचकुला के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ऑल मेंबर्स डिवोटीज। लगभग 2-3 साल से बातें हो रही होती थी कालिंदी जी से कि आपको यहाँ आना है। बोले हाँ, तो इस प्रकार के मैं आता रहता था, मगर 6 महीने पहले फाइनल हो गया कि स्वामी जी आपको यहाँ प्रवचन के लिए आना है। बोला तो ठीक है, आप डेट दे दीजिए। तो फिर मैंने फाइनल करके डेट ये दे दिया था। बीच में हम एक दिन के लिए ऐसे आए थे, तो यहाँ उस गीता ग्रुप डिस्क कुछ चल रहा था, चैंटिंग आदि, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूं और ये बताऊंगा, टॉपिक बता दिया था। अब मैं 6 दिन बोलने वाला क्या हूं। अलीगढ़ चिन्मय मिशन नवंबर 1 से 6 में दे रहा था, वाल्मीकि के प्रसंग है, सिर्फ वाल्मीकि के प्रसंग 6 दिन। उस दौरान प्रवचन में दौरान बताया था कि भगवान सिर्फ वाल्मीकि के पास नहीं गए, वाल्मीकि के साथ सत्संग नहीं हुआ, और भी अनेक ऋषियों के साथ सत्संग हुआ। तो बोलते बोलते मैं इन ऋषियों का नाम बताया। उसी समय ये एक भावना आई कि उन्होंने पंचकुला चिन्मय मिशन में इन ऋषियों के साथ जो सत्संग भगवान राम का हुआ वही बताएं। तो ऐसे तो देखा जाए, भगवान श्री राम जब वनवास किया उस दौरान अनेक ऋषियों का सत्संग भगवान को मिला, और भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन का जो भाग्य है अनेक ऋषियों को मिला। हम 9 ऋषियों का चयन किया है, हम आपको बता देते हैं किन किन 9 ऋषियों का है। पहला दिन आज हम विश्वामित्र जी के जो सत्संग है, विश्वामित्र का जो आगमन है, और विश्वामित्र भगवान श्री राम के साथ कब कब रहा, किस क्षण किस स्थान किस घटना, वो
वर्णन करेंगे चुंबकीय के रूप में। कल हम भरद्वाज के बारे में, भगवान श्री राम वनवास के समय जब भरद्वाज के आश्रम जाते हैं वहां, और वहां आप देखोगे जिन ऋषियों के साथ हो रहा है वो ज्ञान भक्ति कर्म के बारे में वर्णन है। भगवान राम का आशीर्वाद है और इन ऋषियों का जो उपदेश है वो हमारे लिए साधना। शंकराचार्य ने एक सुंदर भाष्य में एक वाक्य कहा है, यानी यानी सिद्धस्य चरितानि सुचरितानि लक्षणानि तानि तानि साधकस्य, मैं जोड़ रहा हूं, भक्तस्य साधनानि। जो जो सिद्ध लोगों का लक्षण है, स्वरूप है, चरित है, वही हमारे लिए साधना है। और जैसे यहां बैठे हुए हैं लगभग 50 लोग बैठे हैं, हम रामचरितमानस सुनने के लिए इन ऋषियों के बारे में सुनेंगे, वो हमारे लिए साधना बन जाती है, हमारे लिए उपासना बन जाती है। ये है फायदा। तो विश्वामित्र के आज हम देखेंगे, कल देखेंगे भरद्वाज का, परसों हम वाल्मीकि के, फिर चौथा दिन हम अत्रि और सर्वंग वो देखेंगे, पांचवा दिन में सुतीक्ष्ण और अगस्त्य, और छठा दिन में नारद और वशिष्ठ। समय के अवधि के अनुसार मैंने दो दो किया, नचेत नौ ऋषि नौ दिन तक चल सकता है, जैसे रामचरितमानस का नवान्न पारायण होता है प्रवचन। अभी अभी हमने बताया ये हम इसलिए चयन किया, भगवान श्री राम के साथ, केवल भगवान श्री राम नहीं, भगवान के साथ सीता जी भी है, लक्ष्मण जी भी है। वाल्मीकि के प्रसंग में तो हम देखेंगे खुद ही भगवान राम पूछते हैं मैं कहां पर रहूं, वो बहुत ही सुंदर भावनात्मक रूप में बता रहे हैं कि प्रभु आपने प्रश्न पूछा, मैं पूछत सकुचाई, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है बताइए, तो तब मैं बता दूंगा आप कहां रहोगे। तो भगवान सहज सहंगे, ऐसे तो भगवान बहुत लचीले हैं, शर्माते हुए कहा, चुप रहा। वाल्मीकि ने जान लिया, क्योंकि भगवान ने जो पूछा एक शरीर के दृष्टि से, एक दशरथ के बेटा के दृष्टि से, एक पति के दृष्टि से जिनके साथ अपनी पत्नी है, एक भाई के दृष्टि से जिनके साथ अपने भाई है, वनवास घटना है, उस वनवास 14 साल कहां बिताना है, इस दृष्टि से पूछा। वाल्मीकि चले गए निर्गुण निराकार, आप कहां नहीं है, सगुण निराकार ईश्वर, ईश्वर हृदय से अर्जुन सबके अंदर है, चले गए। तो भगवान सकुच गए, तुरंत वाल्मीकि ने परिवर्तन कर दिया पट, परिवर्तन कर दिया बातें, धरातल के रूप में आ गए। मगर धरातल के रूप में आने से पहले उन्होंने जो बताई वो है साधना, 14 स्थान बताए, वो हम तृतीय दिन लेंगे। मगर ये केवल आपको बताने के लिए कितना सुंदर प्रसंग चलता है। तो ये जो 14 स्थान बताया है ये हमारे लिए साधना है। चलिए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, मेरे बाद आप गाओगे भगवान का सिंपल नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र के। आप लोग हो 50 लोग हो, पर आवाज इतनी कम क्यों? बोल सियावर रामचंद्र के। अब लगा कि आप लोग सब जीवित। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। नमः पार्वती पते। तो वहां महादेव बैठे हैं, बोलेंगे ये लोग बोलते नहीं, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं भगवान हमारे कल्याण के लिए। उनका जो क्रोध है वो हमारे ही कल्याण के लिए, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म जो रहते हैं, वो गदा जो है ना मोहमुद्गर शंकराचार्य ने कहा, नहीं भी सुनेंगे तो फिर सुदर्शन चक्र निकाल। भगवान श्री राम के साथ विश्वामित्र का जो मिलन होगा उसके प्रसंग बालकांड के 205 दोहाक में शुरुआत होती है। अच्छा, अभी अभी कौन कौन रामचरितमानस लेके आए हो? हाथ उठा दो। 1 2 अच्छा 3। अच्छा अब बंद कर दीजिए। आपके घर में, आपके जो घर में रामचरितमानस किस किस के घर में है, हाथ उठाओ तो। अरे नारायण रहे सबके घर में। आज तो हो गया, अभी तो मैं भेज नहीं सकता, मैं भेजूंगा और आओगे मेरा क्लास ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अभी वो नहीं करने वाला हूँ। आप सुनते जाओ आज विश्वामित्र का प्रश्न, कल से आप लेके आना। अभी जाते ही घर जाके देख लेना कहाँ पर है। हमारे पूज्य गुरुदेव क्या करते थे, कैसे करते थे पता है? मैं तो 83 से ज्वाइन किया हूँ चिन्मय मिशन में, उसमें गुरुदेव बहुत सुंदर बोलते थे। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन होता था कोई चैप्टर के बारे में, तो इंट्रोडक्शन में ही चला जाता था। जैसे अभी 20 मिनट गया तो गुरुदेव का कोई इनाग्रेशन करने के लिए कोई आता था। मैं तो ज्ञानी जोहेल सिंह इनाग्रेशन फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप 1983 दिसंबर 26 में हुआ था, मैं था। एंड और बड़े बड़े जैसे मोदी जी ने, अलग उस समय में नहीं था, मोदी जी ने भी चीफ मिनिस्टर रहते हुए करते थे सब स्टेट्स में। हमारे उड़ीसा में आए थे तो जानकी वल्लभ पटनायक, वो बिजू पटनायक, उन्होंने किया था, मैं था। तो आधा घंटा वो दे देते थे, जानते थे कि आधा हाफ एन आवर जाएगा, फिर उनको 40-45 मिनट मिलता था बहुत पर्टिकुलर टाइम के। बोलते भी थे जस्ट सी इट हैज नॉट क्रॉस्ड 6:32 होता 8 o'clock, इट हैज नॉट क्रॉस्ड 8 o'clock, नोइंगली आई एम लिविंग यू 7:59, व्हाई डू यू नो, सो दैट यू कैन कम टुमारो 6:25, जैसे बता रहे थे। तो बोलते थे लास्ट उसी दिन के, नाउ गो टू योर होम, गो टू डायरेक्टली गो टू योर पूजा रूम, इन योर पूजा रूम सो मेनी डाइटिस आर देयर, इन फ्रंट ऑफ द डाइटिस सम बुक्स आर बीइंग रैप्ड विथ रेड क्लॉथ एंड दैट क्लॉथ इज बीइंग स्प्रिंकल्ड विथ चंदन एंड सिंदूर एंड ऑल डर्टी डर्ट धूल, गो ओपन अमंग सो मेनी बुक्स वन मस्ट दैट इज गीता। वो गीता के बारे में बोल रहे थे, इसलिए ब्रिंग आउट, उसमें देखना जो चैप्टर पढ़ाने वाले होंगे ना उसमें वो बताएंगे। सपोज 13 पढ़ा रहे हो तो देखना 13 चैप्टर होगा, ब्रिंग दैट बुक। ये विशेषता, मैं भी ऐसे ही कहता हूँ, हम भी किसके बाप के बेटे हैं, गुरुदेव की, तो गुरुदेव के स्टाइल से ही बोल रहे हैं कि आप देख लेना रामचरितमानस किताब जरूर होंगे एंड उसको कर ले आना।
जब जब जो जो दोहा में बोलूंगा उसका पढ़ना अच्छा लगेगा। हम सुनते हैं रामचरितमानस, हम पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, मगर जो चीजें बताई जाती है वेदांत के, उसमें इस दोहे में है, इस चौपाई में है, ये नजर नहीं जाता। अम्मा आपका दो बार मोबाइल आया है, अब डॉक्टर कुमार पकड़ रहे हैं। तो बालकांड के प्रसंग में भगवान श्री राम के विश्वामित्र के जो मिलन है वो कब होता है? 205 दोहा है, उसके पहले बहुत ही सुंदर है। प्रात काल उठिके रघुनाथ मात पितु गुरु नही मात आय सुमाग कर ही पुरका जा देखी चरित हर सही मनराजा। यहीं से मैं शुरू करता हूं। भगवान श्री राम का चरित्र इतना सुंदर है, इसी चौपाई में है। क्या? देखी चरित। चरित शब्द बहुत सुंदर है, रामचरित मानस। अभी अभी हमने कहा साधु संतों के चरित्र हमारे लिए साधना है। यानी यानी सुचरितानि, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, यानी सुचरितानि तो ही एव उपस्यानि। तैत्तिरीय उपनिषद में है, शिक्षावली में, जब गुरु 12 साल अध्ययन करने के बाद शिष्य को कन्वोकेशन एड्रेस में ये बता रहे, जो मेरे सुचरित है तुमको लगा उसको तुम ग्रहण करो। तानी एव सुचरितानि, तानी एव उपस्यानि, नो इतराणि, नो। देखो ऋषि लोग इंग्लिश में जानते थे, नो इंग्लिश है ना, ए नो नो, और रियली नो ना ही नो होता है संस्कृत में भी, नो। इतराणि मैंने अलग, इससे अलग, सुचरित से अलग, जो कुचरित है कहीं तुम्हें लग रहा कि नहीं ये गुरु के लक्षण ठीक नहीं, उसको ग्रहण मत करना। जो मैंने उपासना कर्म योग साधना के दृष्टि से कर रहा हूं और तुमको अच्छा लगा उसको ग्रहण करो। चरित, तुलसीदास जी ने कहा देखे चरित, किसका? राम जी के। देखे चरित हर सही मन राजा, राजा दशरथ, दशरथ को बहुत अच्छा लगता था। तो भगवान के यहाँ चरित्र कैसे हैं? सवेरे ही उठते ही प्रात काल उठी के रघुनाथा क्या करते थे? माता पिता गुरु, गुरु यहाँ पर वशिष्ठ के लिए है मुख्यतः, मगर जब विश्वामित्र आए और विश्वामित्र जितने दिन रहे उस समय माता पिता नहीं थे, गुरु ही विश्वामित्र ही थे, इसलिए उनको ज्यादा वो प्रणाम करते थे। विश्वामित्र को देखते थे आप ही मेरे पिताजी है, आप ही मेरे माताजी है, और आप तो गुरु है ही। भगवान श्री राम के जीवन में, चरित्र के जीवन में 3 मुख्य गुरु हुए, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, 3। भगवान कृष्ण के भी जीवन में भी 3 गुरु मुख्य हुए, एक है सांदीपनी, गर्गाचार्य और ऋषि दुर्वासा, ये 3। रामचरितमानस में, रामायण में, अलग अलग पुराणों में जो भगवान राम के बारे में वर्णन है, इन 3 के बारे में विशद वर्णन है। और भगवान कृष्ण के जो चरित्र है, गर्ग संहिता, सांडिल्य सूत्र, हरिवंश, भागवत है, इन 3 के बारे में वर्णन है। तो गुरु के प्रसंग के बारे में यहीं से शुरुआत होती है। तो अब खुद विश्वामित्र जब मिलन होता है उसके लिए खुद तुलसीदास जी ने एक रंगमंच, एक एक
इंट्रोडक्शन के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं, जो सोचते हैं विश्वामित्र एक बहुत बड़ा रोल है। खुद ही कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि भी है और ज्ञानी भी है। विश्वामित्र का जन्म, परशुराम और विश्वामित्र का जन्म कैसे है उसको थोड़ा देखते हैं। पहले मैं चौपाई के अनुसार, सर दो ही तीन लोगों के पास ही किताब है, कल ले आना। आपको लग रहा होगा हे आज लिया था तो अच्छा होता, कल लाना। 205 के बाद जो चौपाई है उसमें कहते हैं ये सब चरित कहा में गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई, ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र ज्ञानी है, महामुनि है, त्यागी है और सुंदर शुभ आश्रम में जाकर रहते थे। ओके, विश्वामित्र के जन्म के बारे में देखते हैं। आज का जो विषय ही है विश्वामित्र और भगवान श्री राम के साथ सत्संग है। विश्वामित्र के जीवनी के बारे में जब देखेंगे क्या सीखते हैं वो भी हम विचार करेंगे। ब्रह्मा के अनेक पुत्र हुए। अभी हम जो मंदिर अभी दिल्ली एक महीने से मैं तीर्थ यात्रा में था, बीच में प्रवचन भी था। जब भी कोई माँ है ना वो सोचते हैं बच्चे जब दूर जाते हैं तो थोड़ा लगता है, इसी प्रकार हमारा जो डॉक्टर शशि है ना वो माँ है, और स्वामी जी आप बहुत दूर चले गए। मैंने कहा ठीक है, हंसने लगा मैं, मगर मैंने जो अनुभव किया है ना वो एक अलग है, उनको भी अच्छा लगेगा। कोई भी माँ जब जैसे खुद उनके जो बेटे हैं डॉक्टर धीरज है, अजय है, सब जब बाहर रहते हैं तो लगता तो है बेटे बाहर रह रहे हैं, और जब नाम कमाते हैं बाहर अच्छा लगता है माँ के रूप में। ऐसे सचमुच मैं वृंदावन में अब कालिंदी के साथ भी बात कर रहा था, मैं 8 दिनों में मैं 100 तीर्थ देखा होगा, एक दिन में 12-13 तीर्थ। अभी अभी 2 दिन पहले मैं बड़ौदा में वो अनेक तीर्थ के बारे में देख रहा था। बड़ौदा जो है ना वो विश्वामित्र का राज तपस्थली बड़ौदा, वहां के जो स्वामी जी मुझे बता रहे थे स्वामी देवेशानंद, उसमें मैं कल का टॉक भी दिया था इस सब के बारे में। एक मंदिर गए थे उसमें ब्रह्मा की मूर्ति थी सुंदर, और तुरंत पीछे ऐसे छोटे 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 ऋषियों के था भगवान के भागवत के कारण। तुरंत का स्वामी जी आप देख रहे हो पीछे एग्जैक्ट 10 होगा, मैंने गिन लिया तुरंत 10 है, ये ब्रह्मा के 10 पुत्र है, ब्रह्मा के ये 10 पुत्र है। ये कौन? 7 ऋषि है, फिर क्रतु और नारद और दक्ष, ये 10 पुत्र है। इसी प्रकार ब्रह्मा के अनेक पुत्र हुए थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था कुशल, वो 10 पुत्र से अलग थे। कुशल, कुशल के 4 पुत्र थे, समझ आप क्या कह रहे हो, मैं विश्वामित्र की कहानी बता रहा हूं। 4 पुत्र थे, उसी में से सेकंड पुत्र का नाम है कुशनाभ। स्वामी जी कुछ याद नहीं रहेगी चिंता मत करो, और याद भी नहीं रहेगी तो आपको क्या करना पता है, आप लिख सकते हो। मैं स्वामी जी हम पेन कागज कुछ नहीं लाए, ठीक है फिर आप दोबारा सुन सकते हो। दोबारा सुन सकते कैसे, फिर तो आप बताओगे नहीं ना, आप YouTube से सुन सकते हो, ठीक है इसी को ही दोबारा सुन सकते हो। कुशनाभ, कुशनाभ देखो नाम ही है कुश, कुश मालूम है जो घास होता है उसको बोलते हैं कुश। उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उन्हीं के एक पुत्र हुए जिसका नाम है गांधी। गांधी कुश से उत्पन्न, कुश परिवार से हुए इसीलिए कौशिकी वंश, और विश्वामित्र को भी कौशिक कहते। गांधी के
बहिन थी उनका नाम है सत्यवती, ठीक है, सत्यवती। गांधी विवाह किया था और सत्यवती जो उनकी बहन है एक ऋचिक ऋषि से, बहुत बड़े पावरफुल ऋषि से विवाह किया था। गांधी की पत्नी और जो सत्यवती है उनके, गांधी की जो बेटी है वो बहन, बहन ने बेटी सत्यवती, इन दोनों माँ और बेटी ने पुत्र उत्पन्न के लिए संकल्प किया। और जानते हैं कि जो ऋषि ऋचिक है बड़े पावरफुल है, उनको अनुरोध किया कि आप चरु बनाइए हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दो वृक्ष मैं नीचे जाकर के तपस्या करो और मैं चरु बनाता हूं। तो उन्होंने दो घड़े में चरु रखा, एक अपनी पत्नी के लिए सत्यवती, वो ब्राह्मण का अंश था, उसमें ऋषि पुत्र उत्पन्न होगा, और गांधी क्योंकि राजा है उन्होंने क्षत्रिय का अंश रखा। समझ लेना यहां पर, सूर्य यहां तक बढ़िया है। मां ने सोचा, गांधी की पत्नी सत्यवती की मां सोचा, ये जो मेरे जो दामाद है ये जरूर मेरी बेटी के लिए अच्छा रखा होगा, इसलिए बेटी को कहा बेटी एक काम करो ना, तुम्हारा जो चोरू मुझे दे दो और मेरा चोरू तुम ले लो। बेटी बहुत भोली थी, ठीक है माँ ले लो। अब चेंज हो गया, जो ब्राह्मण के अंश पुत्र होने वाला है वो क्षत्रिय क्षत्राणी माँ ने पी लिया, खा लिया, और जो क्षत्र अंश है वो सत्यवती ऋषि के पत्नी उन्होंने ले लिया। बाद में पता चला, उन्होंने कहे तो बहुत खराब हो गया, क्या हुआ ना, तुम्हारे जो पुत्र है ना वो क्षत्रिय बनेगा और बड़े ही रजस, क्षत्रिय मैंने क्या होता है रजस, ब्राह्मण मैंने क्या होता है सात्विक, तो ये तुम्हारे जो पुत्र है वो क्षत्रिय बनेगा और पृथ्वी में जितने सब अत्याचार है वो दुष्ट लोगों का नाश करेगा, बहुत ही तेजस्वी लड़का बनेगा। उसने कहा मुझे इसे नहीं चाहिए, तो फिर ना इसे तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये वीर्य का ये शक्ति का ये कार्य है, ना एक काम करे मेरा पुत्र न हो मेरा पुत्र का पुत्र हो जाए, ठीक है ये इतना मैं कर सकता हूँ। देखो ऋषियों के पास कितनी ताकत थी ना, ऋषियों के पास कितने, हम ये कहानी सुनते ही ये सीखना है क्या पावरफुल था उनके पास, तपस्या का क्या बल था, तपस्या का बल का एक नमूना खुद विश्वामित्र हम देखेंगे अभी। तो कहा ठीक है, हमारे जो पुत्र का नाम बनेगा वो कौन है, जमदग्नि, और तुम्हारा पुत्र जमदग्नि होगा, जमदग्नि होगा परशुराम, ये तो होगा ही है, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का काम वो करेगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जमदग्नि की पत्नी रेणुका है, आपको पता है ना रेणुका यहाँ से बहुत पास में है, मैं गया था कुछ दिन पहले, सुंदर है वहां, रेणुका तपस्या करती थी, परशुराम भी तपस्या करते, मैंने जमदग्नि तपस्या किए थे तभी परशुराम उत्पन्न हुए होंगे। ये कथा जो हम बोल रहे हैं इसी हिमालय की कथा, और हम लोग हिमालय के पादेश में बैठे हैं। फिर क्या हुआ, उनके जो पुत्र गांधी के पुत्र जो विश्वामित्र बनेंगे वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गया। अभी समझ में आया क्यों उल्टा हुआ था, ऐसे क्षत्रिय होते हुए भी जो ब्राह्मण बन सके वो ऋचिक ऋषि के बदौलत, ऐसे विश्वामित्र की कथा हम लोग सुनते हैं। कहानी के दृष्टि से देखें तो विश्वामित्र का पूर्व क्षत्रिय राज था विश्वरथा। एक दिन वह शिकार करने के लिए आए थे, अनेक सैनिकों को लेकर आए थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम आए, रात में पहुंचे, वशिष्ठ ने उनको कहा कि आप रुक सकते हो यहाँ। तो विश्वरथ ने कहा कि हे ऋषि आप रुकने के लिए कह रहे हो, मगर क्या आपके पास शक्ति है इतने ऋषियों मेरे सैनिक को रखने के लिए। तो उन्होंने कहा
आप सम्मति दीजिए, देखिए मेरे काम धेनु, मेरे नंदिनी की बदौलत क्या हो रहा है। तो नंदिनी को जाकर के हाथ जोड़े होंगे, अतिथि आए हैं, आप सत्कार कीजिए सबके लिए, जो टेंट है, तंबू, खान पान, शयन की व्यवस्था, सब व्यवस्था किया, खुद विश्वरथ के लिए राजकीय व्यवस्था की गई है, वो आश्चर्य हुए। बाद में सवेरे प्रधान सेनापति को, ये महाभारत में बहुत वर्णन है, रामायण में भी, प्रधान सेनापति को कहा कि वो जो नंदिनी गाय है उसको बंदी करके ले आओ। तो वो गया, वो हार गए, विश्वरथ भी गए, वो भी हार गए। फिर वशिष्ठ के साथ युद्ध हुआ। वशिष्ठ कुछ नहीं करते थे, केवल उनके पास एक दंड था, बस ब्रह्म दंड को खड़ा कर दिया था, वहीं से अस्त्र निकलता था, सबको हरा दिया। तब विश्वरथ राजा ने सोचा, ब्रह्म बलम 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 क्षात्र बलम धिक बलम, ये महाभारत का एक श्लोक है, ब्रह्म बल ही तेज बल है, ये ही बल है, और क्षत्रिय बल है उससे नीचे ही है, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। विश्वामित्र सब त्याग कर लिया, अपने बेटे को दे दिया राजधानी, तपस्या करने के लिए गए। आप कहानी भी सुना होंगे, कुछ साल पहले विश्वामित्र एक सीरियल भी देता था, मेनका आई, मेनका के माध्यम से उनके एक पुत्र भी हुई, वो है शकुंतला। तपस्या भंग हुआ, फिर ब्रह्मा से वर प्राप्त हुए, राजर्षि तक हुए, माने राजाओं में ऋषि है और श्रेष्ठ है, राजा दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ है, ऋषियों में जो श्रेष्ठ होता है। फिर वो ब्रह्मर्षि पद पाना चाहते थे, घोर तपस्या किया। तपस्या के अगर हमारे सनातन धर्म में कोई उदाहरण है, एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या दो है, एक है विश्वामित्र और एक है, दूसरा है भगीरथ। गंगा को लाने के लिए 3 पीढ़ी की आवश्यकता होती, अंशुमन, दिलीप एंड देन भगीरथ। दिलीप, अंशुमन, भगीरथ, तीनों ने तपस्या किया था और भगीरथ ही प्राप्त कर लिया। तो तपस्या के अगर मूर्तिमान स्वरूप घोर तपस्या किसी ने किया है, वो है भगीरथ और विश्वामित्र। तब से उनका नाम पड़ा विश्वामित्र, विश्व का मित्र है। और ब्रह्मर्षि पद वो चाहते थे, ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो दूंगा, मगर जब वशिष्ठ बोलेंगे आप ब्रह्मर्षि है, तब आप ब्रह्मर्षि हो सकते हैं। विश्वामित्र के अंदर इतने द्वेष भाव, घृणा भाव था, तो वशिष्ठ के 100 पुत्र शक्ति आदि पुत्र को भी मार दिया, फिर भी वशिष्ठ के अंदर कोई रिएक्शन नहीं। वशिष्ठ और भी कथा बहुत कहते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, ये सब बीच बीच में कथा है कि वशिष्ठ तपस्या की महत्ता वर्णन कर रहे थे और विश्वामित्र वशिष्ठ केवल सत्संग का महत्व वर्णन कर रहे थे, और वशिष्ठ सत्संग से क्या हो सकता है ये बताया गया। बाद में वशिष्ठ ने कहा उनको, जब वो प्रणाम करने लगे वशिष्ठ को, विश्वामित्र, वशिष्ठ ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि आप उठिए, तब उनके आंखों से आंसू आई। मैंने ये जो सिया के राम ऐसे सीरियल है ना, रामचरित, मैंने हमारे रामानंद सागर के बाद अलग अलग सब रामायण में है, मैं एक देख रहा था कि विश्वामित्र के अंदर एक कुंठा, कुंठा शब्द है अर्थात एक भावना, एक पश्चाताप, एक अनुताप रहता था कि हम कब कैसे मिले वशिष्ठ जी से। भगवान राम ने मिलाया वशिष्ठ, जब ध्यान कर रहे थे विश्वामित्र जाकर के उनके चरण में गिर पड़े और आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने आलिंगन किया और कहा कि धन्य है विश्वामित्र, आप ब्रह्मर्षि है। ऐसे ब्रह्मर्षि, ये सब घटना हो गई है। महामुनि ज्ञानी, महामुनि अर्थात बहुत मनन किया है,
इन्होंने रामचरितमानस में देखो ये मैंने कहानी बताई, मगर अभी तुलसीदास जी ने उनके लिए महातपस्वी नहीं बताया। क्यों? ये जो तपस्वी है, ये जो तपस्या है, ये क्या है, यहां तक ही सीमित है। मगर ये महामुनि मनन किया किसके बारे में? भगवान राम के बारे में। तुलसीदास जी के शब्द बड़ा सुंदर है, तपस्वी नहीं बताया। तपस्वी ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, तपस्वी एक आकांक्षा है, तपस्वी एक होड़ है, होड़ समझ। महामुनि महान मुनि है, मननशीलवान है, जिन्होंने मनन किया है, जिन्होंने चिंतन किया है, किसके किसको? भगवान को। तुलसीदास जी कहते हैं ये सिंपल तपस्वी नहीं है, महामुनि और ज्ञानी। शब्द का चयन देखिए तुलसीदास जी का, महामुनि ज्ञानी, वो ज्ञानी है, अर्थात उनको पता है भगवान राम अवतार लेकर के आए हैं। महामुनि ज्ञानी बस ही रह रहे हैं, कहां? विपिन शुभ आश्रम जानी, ये बिहार के सिद्धाश्रम करके एक जगह है, बक्सर में गंगा तट है, चंद्र देवी स्थान माना जाता है, 64 किलोमीटर बक्सर के आसपास, वहां सिद्धाश्रम, जो बिहार घूमे होंगे वो वहां के लोग जानते होंगे, वहां पर आश्रम है, तो वहां पर वो रहते थे। और वहां क्या करते थे देखिए, ये बड़ा सुंदर सुंदर चौपाई है। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहां जप, जहां माने जिस जगह पर, जहां पर जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहां वो क्या करते थे उस आश्रम में? जप करते थे, यज्ञ करते थे, जोग करते थे, मुनि कर रहे। इससे हम हमें क्या सीखने को मिल रहा है? अर्थात हमें भी जीवन में अगर हमारे गृहस्थाश्रम को सिद्धाश्रम बनाए, देखो गृहस्थाश्रम में सिद्धाश्रम बन सकता है। सिद्धाश्रम माने जिसमें हम जो करना चाहते वो अगर कर लिया तो जानना सिद्धाश्रम हो गया। किसी संत ने बड़ा सुंदर बात कही, क्या? जीवन में सब कुछ मिला, घर मिला, जायदाद मिले, जमीन मिली, पति के लिए पत्नी मिले, पत्नी के लिए पति मिले, नौकरी मिले, बच्चे हुए, सब कुछ मिला, जीवन में सब कुछ मिला। हाँ, तो अभी ये वाक्य सबके लिए, हाँ, जीवन में सब कुछ मिला। अब नेक्स्ट सुनना, या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? कुछ लोग तो नोट किया, कुछ कुछ ऐसे, कुछ लोग समझ में नहीं आया। जीवन में सब कुछ मिला ये सबके लिए ठीक है, सेकंड है क्या वो मिला जिसके कारण जीवन अपने आप में नहीं मिलता है? जो लाइफ प्रिंसिपल है वो भगवान है, उसको जो समझ लिया है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गृहस्थाश्रम भी सिद्धाश्रम बन सकता है, कब? जब हम लोग जप कर रहे हैं। जप एक साधना, देखिए जप करें, वाल्मीकि के प्रसंग में और इन ऋषियों के प्रसंग में देखेंगे ये साधना है, एक है जप है, भगवान का नाम। जप क्या है? एक ही एक चौपाई देखेंगे तो इतने चलते ही रहेगा। इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्त विशेषण जप। जप किसे कहते हैं? एक इष्ट मंत्र लिया जाता है जो आपके पसंद है, जो आप पसंद करते हो, जैसे बफे सिस्टम में करो, ये हमें पसंद है, बफेस्ट मन एक है जो आप पसंद करते हो उसको लेते हो। तो हमारे हिंदू धर्म की खासियत है व्यापकता है, कोई संकुचित तो नहीं है। गुरुदेव बोलते थे वन गॉड वन स्क्रिप्चर वन वे, नहीं है ये हमारा, क्या है? मेनी गॉड्स मेनी स्क्रिप्चर्स मेनी वेस। समझ, रोज रोटी और चावल के साथ रोज एक ही सब्जी खाओ, एक ही आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, बड़ा मुश्किल हो जाए। सोचो कि हम बिहार में है क्या, आलू के साथ केवल आलू खाते हैं ऐसे बोलते हैं? नहीं, वैरायटी चाहिए हमको।
इसी प्रकार मन के अंदर वैराग्य के कारण साधना भी अलग अलग है। तो जप इष्ट मंत्र से नैरंतरेण आवृत्ति विशेष, कोई एक मंत्र लिया उसको बार बार जब आवृत्ति करते हैं ओम श्री रामचंद्राय नमः ऐसे, उसको कहते हैं जप। जप यज्ञ, अच्छा है यहाँ पर पंचकुला में हमारे पटियाला में हर महीना संक्रांति में यज्ञ होता, यज्ञ जप यज्ञ योग साधना के लिए जो योग है ध्यान जो करते हैं पर ध्यान करते थे तो उसमें क्या होता था, करते तो है परंतु मारीच सुबाहु डरई, ये साधना करते समय ना ये मारीच और सुबाहु वो आकर के डरा लेते थे। तो हमारे अंदर भी जब हम साधना करेंगे ये मारीच और ये सुबाहु वो आ जाता है। मारीच कौन है ना, हमारे जो द्वेष भाव है, और सुबाहु कौन है जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य भाव है। तो एक द्वेष भाव है और एक तादात्म्य भाव है, ये ही विघ्न कारक है, ऑब्स्टिकल है यज्ञ में योग में ध्यान में। देखत यज्ञ निशाचर धाव ही करे उपद्रव मुनि दुख पावे, जब साधक के मन में ये द्वेष ये आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य भाव आएगा तो जितना भी साधना करे तब दूर नहीं होगा, मन दुख दुख रहेगा। अब हम लोग जब शासन माने आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करते हैं, फिर भी मन के अंदर एक दुख, मन के अंदर एक क्लेश, मन के अंदर एक भावना रहती है। मैंने बड़ोदरा में एक प्रवचन दिया 6 तारीख को, स्वामी जी ने कहा स्वामी जी क्या टॉपिक लोगे, फिर मैंने कहा देखो मैं जगन्नाथ के बारे में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में वैसे ही है, स्कंद पुराण में कथा है, ब्रह्मा ने सृष्टि किया और उनको 2 समस्या हुई। गुरु जी बोलते थे मेनी प्रॉब्लम्स मगर 1 सोल्यूशन है। तो 2 समस्या क्या पता है, जब सृष्टि के पहले तो दुखी थे कि सृष्टि हो नहीं रही है, मगर जब सृष्टि बढ़ गई तो बहुत वंश विस्तार बहुत बढ़ गया, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया ओवर पॉपुलेशन। सेकंड क्या है, लोग दुखी है, ओवर पॉपुलेशन के बाद दुखी है, तो ये 2 दुख कैसे दूर होगा। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, यहां पर भी ऐसे गाढ़ी धन मन चिंता व्यापी हरि बिनु मर ही न निशिचर पापी। चौपाइयों को ध्यान रखा, चिंता सबको होती है, हम लोग भी चिंता होती है, चिंता होती है। ब्रह्मा ने क्या किया, वो जो प्रसंग में स्कंद पुराण के प्रसंग में जगन्नाथ कथा में उन्होंने भगवान को स्मरण किया, भगवान को दर्शन किया, वैकुंठ जाकर के भगवान को अपनी बातें बताई, तो भगवान ने उसका समाधान किया। क्या समाधान किया कि आप जाइए पूर्व महोदधि में एक पर्वत है, नीलाचल पर्वत है, अभी जो जब जगन्नाथ मंदिर देख रहे हो ना वो रियली पहले नीलाचल पर्वत था, और वहां पर सुंदर जो हमारे सत्संग हॉल के ऊपर अभी बनाया ना आप लोगों ने, वहां भगवान कृष्ण रियल बैठे हैं। मैंने कहा कि तुम बैठने वाले ला बहुत खड़े खड़े होते होते ना उनको दुख लगेगा पैर, इसलिए हम बैठा दिया है, कालिंद ने कहा हमने, हम बात तो सही है। तो वहां भगवान खड़े हैं, उनका नाम है नील माधव और लक्ष्मी भी है, ये जगन्नाथ की कथा में कह रहा हूं, नील माधव सत्ययुग में। फिर शेषनाग है माने बलवान बलराम, फिर सुदर्शन मनुष्य रूप में है, चक्र के रूप में नहीं मनुष्य रूप में, और गरुड़ जी है सामने पंचमूर्ति है। उनका दर्शन करते ही उनका जीवन दुख दूर हो गया। अर्थ क्या है, कितने भी समस्या हो समाधान एक ही है भगवत दर्शन, समाधान एक ही है कनेक्ट विथ गॉड। जैसे मैं कहता हूं ना BSNL कनेक्ट्स इंडिया, इसी प्रकार हमारे मन शुड कनेक्ट विथ गॉड, माइंड शुड बी कनेक्टेड विथ गॉड। देखो यहां पर देखो लिखता है हरि बिनु,
अर्थात कितने भी मनुष्य के दुख हैं वो हरि के बिना दूर नहीं हो सकता है। ये जो तादात्म्य है, ये जो द्वेष है, ये कौन दूर कर सकते हैं? हरि बिनो, भगवान का दर्शन ही सब कुछ। भगवान के आत्म दर्शन वेदांत में भी यही है। ये जो देहाध्यास है कैसे दूर हो सकता है? देहाध्यास का जस्ट अपोजिट, उसका एंटीडोट है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? मैं आत्मा हूं, ये भावना। हरि बिनु मर ही न निशिचर पापी। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, जब भी हम आप साधक जान लेते हैं, देखो मेनी प्रॉब्लम्स है, हम क्या करते हैं संसार में एक 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 समाधान करना चाहते हैं। कहते बेस्ट समाधान, दी अल्टीमेट सोल्यूशन है भगवान। क्या आप अपने जीवन में भगवान को लाए? क्या आपने जीवन में भगवान को रखा? जब एक बार सोच लिया कि हरि को लाना है, एक बार सोच लिया कि या तो हरि के पास जाना है या तो हरि को लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब मुनि वर मन कीन विचारा। तब मुनि ने विचार किया। देखो, साधना की पहली साधना है विचार, विचार करना। विचार किया, किया विचार करके यहां विचार किया। देखिए, विश्वामित्र अपने ढंग से विचार करते हैं। प्रभु अवतरेहु अरण महि भारत। भगवान के अवतार हुआ है महि को, पृथ्वी को हरण करने के लिए। अभी हम बरुच वहां गए थे, वहां एक स्तंभेश्वर भगवान है दर्शन करने के लिए 6 तारीख को 5 तारीख को। उसमें सुंदर कथा है। कार्तिक भगवान ने जब मारा असुर को, तो उसमें उन्होंने भगवान शंकर को, तो जो असुर को मारा है उसके तो पाप होगा, तो भगवान शंकर की पूजा किया। वह ऊपर समुद्र ऐसे बहुत सुंदर है कि दोपहर तक बहुत दूर रहता है पानी, और दोपहर के बाद पानी आ जाता है। वो सत्ययुग से यही से होता था, इसीलिए कार्तिक ने क्या किया, स्तंभ में, स्तंभ माने खंबा, स्तंभ माने खंबा, खंबे के ऊपर शिवलिंग बनाया, इसलिए नाम है स्तंभेश्वर। स्तंभेश्वर भगवान शंकर की शिवलिंग बनाया, पूजा किया कार्तिक ने। तो इसी प्रकार हज उसमें लिखा है मही सागर, उस सागर का नाम है। तो मैंने सोचा ये मही सागर क्यों दिया है नाम, इतना सुंदर है। 2-3 किलोमीटर तक मिट्टी है, मही है, मही माने क्या है, पृथ्वी और सागर, इसलिए दोनों मिलाकर कहा गया है मही सागर। समझ में? यहां पर भी भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, क्यों? मही भारा, हरण मही भारा, मही के जो भार है उसको हरण करने के लिए भगवान आते हैं। विचार किया, हम भी साधक के रूप में भगवान के राम, भगवान का जो स्वरूप है वो 3 है, निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म रूप, सगुण निराकार रूप ईश्वर रूप, और सगुण साकार रूप अवतार रूप। तो हमें फायदा कौन देता है पता है? सगुण साकार की, सगुण साकार राम की जब हम लीला सुनते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमारा मन उठता है, उपासना के माध्यम से उठ जाता है मन, और ऊर्ध्वमुखी होता है, रेतस हो जाता है। फिर उस पर हम निर्गुण निराकार के चिंतन कर सकते हैं, डायरेक्ट निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकते, तो ये बात है। तो निर्गुण निराकार के चिंतन कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले मैं सगुण साकार जो राम बने हैं उनका मैं दर्शन करूं। तो उन्होंने यही मिशन माने इसी प्रकार यही मिशन देखे पद जाई करी विनती आनंद उपाय। उन्होंने विचार किया क्यों भगवान अवतार लेके आए हैं, दशरथ का बेटा बन के आए हैं, मैं जाऊं और 2 भाई को लेके आऊं। सोचो 4 भाई है, मगर उन्होंने मन में क्या सोचा, सिर्फ 2 भाई, क्योंकि पता है एक है विष्णु के अवतार है और एक है शेषनाग के अवतार है, बस ये दोनों को ही लाना है, ये ही 2 काम करेंगे। सचमुच ऐसे सोच करके बोधपिति करत मनोरथ जात लागि नहीं बार करी मत जन सरो। सचमुच सोचो तो एक एक चौपाई दोहा पढ़ोगे इतना मजा आएगा।
इसी को ही हम 7-8 दिन ले सकते हैं, मगर क्या हुआ, तुरंत हम जाते हैं विश्वामित्र सरोज नदी में स्नान कर रहे हैं। किसी भी तीर्थ में आप जाना, उसमें अगर आपकी शक्ति है, आजकल शरीर धीरे धीरे क्षय होता है तो होता नहीं, पर कोशिश करना स्नान करने के लिए। तो भगवान ने मने विश्वामित्र ने सरयू में स्नान किया और जब अयोध्या के राजमहल में पहुंचे, मुनि आगमन सुना जब राजा, जब सुन लिया है मिलत गौले विप्र समाज, सब देखना विप्र समाज के साथ गए, क्योंकि वो जानते हैं मुनि आए हैं, विश्वामित्र आए हैं और उन्होंने जो पूजा करते, किसी गुरु को किस प्रकार के सम्मान देना है भगवान राम या दशरथ से सीखना है। देखो क्या लिखा है, चरण पखारी दशरथ से। हम लोग गृहस्थ हैं तो एक दशरथ एक आदर्श गृहस्थ के नाते हमको कैसे सिखा रहे, देखिए कोई गुरु है ऋषि है ब्राह्मण है उनको कैसे सम्मान करना अपने घर में, कैसे चरण पखारी कीनी अति पूजा, उनको पूजा करना है। भगवान कृष्ण जब सुदामा से, अब हम जहां भी मंदिर में जाते हैं कृष्ण के कनेक्टेड आप देखोगे जरूर ये रहता है फोटो, आजकल तो चारों तरफ ऊपर नीचे दीवार में रखते हैं, सुदामा एक ब्राह्मण है कंकाल के साथ और भगवान क्या करते हैं उनका पैर सेवा करते हैं। कथा तो आती है नरसिंह मेहता ने, नरसिंह ने अनेक नरोत्तम दास ने गुजरात के एक श्रेष्ठ कवि ने लिखा है कि ऐसे है कि भगवान के सुदामा के पैर में एक नख माने एक कांटा लग गया था और कांटे को दूर करने के लिए दूसरा एक कांटा चाहिए, सूची चाहिए सुई। तो अब रुक्मिणी के बताया गया, रुक्मिणी ढूंढते में समय लगेगा, भगवान इंतजार नहीं कर पाए तो पैर को ऊपर उठाया अपने दांतों से निकाल दिया और आंखों से आंसू से पैर को धोए। संस्कृत भागवत में लिखा है कि उन्होंने धूप दीप आदि सब कुछ किया, जैसे भगवान को पूजा करते हैं भगवान पूजा करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है बोलते हैं ब्राह्मण देवता ब्राह्मण्य देव, अर्थात ब्राह्मण को जो देवता माने उनका नाम ब्राह्मण्य देव, उत्तम श्लोक ऐसे भगवान का नाम है। तो उन्होंने पूजा किया, अभी यहां पर दशरथ कर रहे हैं, मौसम आज धन्य नहीं पूजा, मेरे जैसे धन्य कोई नहीं है, इस प्रकार के सोचा और पूछा कि आप किसके लिए आए हैं, आप तो बिना कोई इच्छा से नहीं आए। तो उन्होंने कह दिया कि देखो दशरथ मैं इसलिए आया हूं कि हवन में कर रहा यज्ञ कर रहा, ये जो असुर है सुबाहु मारीच ताड़का आदि ये सब विघ्न कर रहे हैं, तुम्हारा दो पुत्र को भेजो। दशरथ सुनते ही बहुत दुखी हो गए, कहा कि बस आपको तो यज्ञ ही रक्षा करना था, हम चले जाते हैं। विश्वामित्र नहीं, कहा कि मैं केवल इन दोनों को चाहता हूं। तो बहुत दुखी हुए, कहा कि मेरे वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न हुआ, आप ऐसे लग रहा कि जैसे मेरे सांसों को आप ले जाएंगे। फिर वशिष्ठ ने समझाया, सुनो एक है तुमने वचन किया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुमने वचन किया है तुमने प्रतिज्ञा किया है इसलिए तुमको करना है। दूसरा है एक है जिस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारी ये चार पुत्र हुए हो उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम पुत्र को नहीं दोगे, और ये पुत्र को तो परमानेंट थोड़ी ले रहे हैं। और सुनो कान में बताए, पुत्र को दुख तो फायदा है शादी करवा के लाएंगे। दशरथ खुश हो गए, बच्चे देखो पिताजी माताजी तब खुश हो जाते हैं जब बच्चे की शादी के बारे में कुछ तय हो जाता है। इसीलिए आप देखना व्यवहार में भी, आप कोई किसी के शादी में अटेंड कर रहे हो तो
एक शादी से दूसरी शादी कनेक्ट हो जाती है, खुश हो गए। फिर इस प्रकार के विश्वामित्र को स्वीकार किया, उनके दो को देकर के राम और लक्ष्मण आए। हम अभी कथा आगे बढ़ा लेते हैं। भगवान ने पूछते थे बीच बीच में, विश्वामित्र ने उनको कथा बताई, गंगा के अवतरण की कथा भी बताई, और वहां पर 6 दिन तक रह करके उन्होंने यज्ञ की रक्षा किया। और उसी बीच में जब रास्ते में जाते थे, ताड़का को वध किया, एक आश्रम था जो विहन गन था, तो उसमें देखा कि प्रभु गुरुदेव ये जो आश्रम है ये इतना उजड़ क्यों गया है, और ये कोई वीरान है, कोई है नहीं, ये क्या है। तब विश्वामित्र ने समझाया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर। रघुबीर ये गौतम नारी है, ये पत्र बन गए हैं, पत्री गौतम ऋषि के पत्नी है ये, उनका नाम क्या है, अहल्या है, अभिशाप पाकर के पत्थर हो गया है, तुम्हारा चरण कमल स्पर्श से मुक्त हो गए। भगवान ने स्पर्श दिया और मुक्त हो गए। देखो हमारे जीवन में भी हम आप एक अहल्या जैसे हमारी बुद्धि जड़ है, हम हालांकि आए हुए संसार में, मरे संसार में आते ही हम जड़मते हो गए। उपलधारी हमारे लिए जीवन में भगवान का स्पर्श के लिए, जीव से शिव को प्राप्त करने के लिए, जड़मति से कॉन्शियसनेस, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इवोल्यूशन, स्टोन मैन, फिर उसके बाद प्लांट मैन, उसके बाद एनिमल मैन, फिर उसके बाद इमोशनल मैन, उसके बाद इंटेलेक्चुअल मैन, उसके बाद हायर कॉन्शियसनेस मैन बनने के लिए एक गुरु चाहिए। तो विश्वामित्र गुरु है, तो गुरु के कृपा से भगवान के स्पर्श मिल जाता है, वो धन्य हो जाती है। बहुत ही सुंदर छंद है, पर सत पद पावन में मगर उसको ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम विश्वामित्र कंप्लीट नहीं करेंगे आज का सत्संग, कल के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चलिए उसके बाद विश्वामित्र जी लेके जाते हैं, धनुष भंग करवाते हैं। इसमें जनक राज के जो प्रसंग है वो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जनक राज जब मिलते हैं, विश्वामित्र पूछते हैं ये दो कौन है, मेरा मन वो क्षत्रिय है, मेरा मन हमेशा ही ब्रह्म में रहता है, क्या ब्रह्म ही तो राम और लक्ष्मण बनकर नहीं आए। तो विश्वामित्र हंस के कहते हैं आपका मन कभी गलत बोलेगा, आपकी वाणी कभी गलत बोलेगी। इस प्रकार के मिलन होता है। फिर जनक राज के धनुष भंग में पहुंचते हैं, विश्वामित्र के ही कहने के अनुसार भगवान धनुष भंग करते हैं। विश्वामित्र के आदेश के अनुसार फिर विवाह आदि सब व्यवस्था होती है। विश्वामित्र ऐसे एक ऋषि है जो विरक्त हो गया है, मगर भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। भागवत में वर्णन है एक ऋषि का नाम है कर्दम ऋषि, उन्होंने तय कर लिया था कि मैं संन्यास बनूंगा, गृहस्थ नहीं करूंगा, मगर भगवान खुद आकर के दर्शन देते हैं। जब भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान कहते हैं वर मांग, कहते हैं प्रेम सरोवर, ऐसे कर्दम ऋषि के बारे में वर्णन है, जैसे प्रेम सरोवर हमारे वृंदावन में भी है, और जहां ये तपस्या कर रहे थे प्रेम सरोवर माना जाता है। अनेक हमारे सनातन धर्म भागवत और रामायण भगवान की कथा से जुड़ी हुई अनेक है, मैं आपको बता देता हूं, मैं रुक नहीं पा रहा हूं। ये जो 84 कोस ब्रज यात्रा है, अभी अभी मैं फ्रेश गया हूं ना इसलिए बता रहा हूं। नंद बाबा ने एक बार कान्हा को कहा, कहते हैं साधक को
चार धाम करना चाहिए, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड के मानसरोवर। मैं तो अभी बूढ़ा हो गया जा नहीं पाऊंगा, तो मेरी मगर मेरे मन में इच्छा है दर्शन करने के। कान्हा ने कहा बाबा चिंता मत कीजिए, सब तीर्थों में यहां बुला लेता। तो भगवान ने गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ मानसरोवर सब तीर्थों को बुलाया, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हरिद्वार सब है। अभी भी आप 84 वर्ष कोष में आप देखोगे ये जो भावना है, ये सब बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु अनेक पुष्टि संप्रदाय के संत लोगों ने इतना सुंदर जोड़ा है। जब जब हम जाते हैं ना तो लगता है क्या सुंदर भाव में भगवान से जुड़ी हुई है कथा। तो भगवान ने सब बुलाया, अभी भी है 84 कोष में। हम लोग जैसे केदारनाथ करना पड़ता है, पहाड़ है और ये 3 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान, और ये 4 धाम पूरा टोटल राजस्थान में। ये तो भोजन की थाली करके एक जगह है। एक सुंदरी राजकुमारी है, उन्होंने जंगल में तपस्या किया और सोचा मन में कि भगवान कृष्ण आए और मैं भोजन दू, जंगल है कुछ है ही नहीं, तो पत्थर के थाली में भगवान को दिया। वो पत्थर के थाली अभी भी है वो जगह, उस जगह का नाम ही भोजन की थाली। सोचिए तो ये भाव है। तो इसी प्रकार विश्वामित्र जब सोचा कि यहां पर आऊं, तो वहां रहने लगे और विदा करने के लिए जब कहा कि मैं विवाह के बाद फिर अयोध्या में भी आए, अयोध्या में विवाह तक रहे, कुछ दिन रहे, फिर विश्वामित्र ने कहा कि प्यार से तो दशरथ मुझे छोड़ नहीं रहे हैं और राम को मैं बोलने में संकुचित कर रहा हूं, कौन कहेगा भगवान से दूर होने के लिए। सोचो तो भागवती में वर्णन है, जो आए तो गोपियां कहते हैं इनको नाम कौन दिया क्रूर, ये तो हमारे लिए क्रूर है क्योंकि ये भगवान हमसे दूर करवा रहे हैं। तो कौन चाहेगा, वो तो भगवान कौन चाहेगा कि मैं आपसे दूर हूं। तो विश्वामित्र देखो महाज्ञानी है, तपस्वी है, और प्रेम के सब भगवान के प्रेम में वो भी बसे, वो सकुचाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम विश्वामित्र तपस्या करना चाहते हैं, आश्रम में जाना चाहते हैं और तुम्हारे प्रेम के कारण बोल नहीं पाते हैं, तुम विदा दो। फिर दशरथ को बोलते हैं, दशरथ बड़े प्यार से विदा देते हैं, आंखों से आंसू आती है, पूजा होती है और कहते हैं गुरुदेव आपके कारण ही आज मेरे पुत्र केवल एक नहीं दो नहीं 4-4 पुत्र के विवाह संपन्न हुआ, वो सहयोग आप हैं। विश्वामित्र के जीवन में हम यही सीखते हैं, हमारे पास एक गुरु होना चाहिए, विश्वामित्र जैसा गुरु जो जीव और शिव को मिलाए, सीता और राम को मिलाए। सीता कौन है, जीव, और राम कौन है, भगवान। सीता कौन है, भक्ति, और राम कौन है, ज्ञान। भक्ति और ज्ञान का अगर मिलन कौन कराता है, वो है विश्वामित्र है, वो गुरु है। हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु होना चाहिए जो कर्म भक्ति और ज्ञान लाए। विश्वामित्र भी जंगल आश्रम चले जाते हैं, अभी समय भी हो गया है, मैं भी अपने आश्रम के रूम में चला जाऊंगा। तो इसलिए आज इतना ही है और कल से सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक हम एक सुंदर प्रसंग लेने वाले हैं, आप जरूर आना। उसकी मैं भूमिका बता रहा हूं। धृतराष्ट्र विदुर को कहा तुम बहुत सुंदर प्रवचन देते हो, नीति बोलते हो, बहुत बढ़िया लगता है, तसल्ली होता है, जब जब मेरा मन दुख होता है द्वेष होता है तुम बोलते हो, मगर मैंने सुना है आत्मज्ञान से ही चरम शांति मिल सकती है, आत्मज्ञान से ही परम सुख मिल सकता है, तुम मुझे आत्मज्ञान बताओ। तो विदुर ने कहा कि भ्राताश्री आपके अंदर ये भावना ही बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आत्मज्ञान बोलने के लिए अधिकारी नहीं हूं, मैं जैसे भी आपसे छोटा हूं और मैं सूत पुत्र हूं। आत्मज्ञान का कोई ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो हम बुला लेंगे। तो उन्होंने सनत कुमार को बुलाया और जो प्रवचन दिया है
वो है सनत सुजाति। और कल विदुर जी बुलाएंगे ठीक 8 बजे इसको, सनत कुमार को। तो सनत जी जो प्रवचन देंगे धृतराष्ट्र को वो है सनत सुजातीय। इसकी महत्ता एक मिनट में बोलते बता करता हूं। शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा है इसके ऊपर। शंकराचार्य 11 परिषद को ऊपर भाष्य लिखा है और गीता के ऊपर भाष्य लिखा है बस, और इसके ऊपर। इसलिए इस ग्रंथ की बहुत महिमा है, आत्मज्ञान है, उसको भी हम कल देखेंगे ठीक 8 बजे से 9 बजे तक। और ये जो शाम कल हम लोग भरद्वाज के प्रसंग देखेंगे, ये मैं आपको नमूना दे दिया, आप खुद पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। कल रामचरितमानस लाइए और मैं आपको चौपाई दोहा कहाँ कहाँ में भरद्वाज के प्रसंग में है वो बताऊंगा। और आप जैसे बताया था कि आप दूसरे को बोलिए, फोन भी कीजिए, दूसरे लोग भी भाग ले। इसी के साथ अब आरती होगी।